हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय परीक्षा 2023 कक्षा 9th के लिए अब की बार क्या सिलेबस रहेगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, लेकिन तैयारी करने से पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल कक्षा 8th तक का होता है। अब बात करेंगे किस किस सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के हैं। सबसे पहला इंग्लिश, इंग्लिश में आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा, यानी टोटल 15 मार्क्स की इंग्लिश आएगी। हिंदी दूसरे नंबर पे, ये भी 15 मार्क्स की आएगी। मैथ्स आएगा 35 मार्क्स का, 35 क्वेश्चन होंगे। और साइंस, जनरल साइंस आएगी, ये भी 35 मार्क्स की होगी, जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप अपनी नोटबुक में से नोट कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश 15 मार्क्स की, मैथ और साइंस 35 और 35, यानी टोटल 70 मार्क्स का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मैथ और साइंस, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न था दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस की, कि इंग्लिश से कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, हिंदी से कौन से टॉपिक्स आएंगे, मैथ और साइंस से कौन कौन से चैप्टर से टॉपिक्स आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की, कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। जैसे कि हमने अभी बात की है, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। अब वो 15 क्वेश्चन इन चैप्टर से आएंगे, जो 10 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला है कंप्रिहेंशन, अनसीन पैसेज। जैसा कि आप जो कक्षा 6th का एग्ज़ाम होता है उसमें भी अनसीन पैसेज आते हैं, तो इसमें भी ये आएंगे। दूसरा है वर्ड एंड सेंटेंसेस, इससे क्वेश्चन आएंगे। तीसरा है स्ट्रक्चर स्पेलिंग। चौथा है रीअरेंजिंग जंबल वर्ड्स, जंबल वर्ड्स को रीअरेंज करना होगा, इससे क्वेश्चन आएंगे। पांचवा है पैसिवेशन, पैसिवेशन यानी दोस्तों एक्टिव वॉइस, और जो पैसिव वॉइस होता है उसे ही पैसिवेशन कहते हैं। छठा है यूज़ ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन, डिग्री ऑफ कंपेरिजन दोस्तों जैसे ईजी, ईजियर, ईजिएस्ट, ये तीन डिग्रीज होती हैं, तो यही है यूज़ ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन। चौथा है मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल्स दोस्तों आपको पता है विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह। उसके बाद है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, जैसे एट, ऑन हो गया, इस टाइप की जो प्रीपोजिशंस होती हैं उसका यूज़ करना, ये भी इससे भी क्वेश्चन आएंगे। नाइन्थ है टेंस फॉर्म्स, ये तो आपको पता ही है, टेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और जो पास्ट टेंस होते हैं उसमें इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो टेंस तो आपको पता है। उसके बाद है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच यानी दोस्तों इसको हम नरेशन भी कह सकते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो एक टोटल जो 10 टॉपिक्स हैं इनसे आपकी इंग्लिश आएगी, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो या फिर नोट भी कर सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों हिंदी से कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। आपको पता है 15 मार्क्स का पेपर होगा हिंदी का और 15 क्वेश्चन आएंगे, तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आपके सामने रहे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहला है भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताएं, इसमें सबसे पहला है वर्ण विचार और वर्तनी विवेक। दूसरा है शब्द भेद स्रोत उत्पत्ति, यानी शब्द भेद का स्रोत और इसकी उत्पत्ति। उसके बाद तीसरा है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद है शब्द विवेक, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, यानी दोस्तों कोई शब्द लिखा होगा जैसे आशीर्वाद, तो उसमें कहाँ पे मात्रा आएगी, र की, कौन सी मतलब बड़ी की मात्रा आएगी, छोटी की, ऐसे जो छोटे छोटे अंतर होते हैं शब्दों में उनके बारे में। उसके बाद है पद भेद, यानी पद भेद की पहचान करनी है। उसके बाद पद परिचय, फिर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, ये भी उसी में आ जाएगा। फिर अब वाक्य रचनांतरण, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल को संयुक्त में बदलना या संयुक्त को मिश्र में बदलना, वाक्य रचनांतरण। उसके बाद मुहावरे और फिर लोकोक्तियाँ, ये आपका सिलेबस है। और उसके बाद दोस्तों अपठित बोधात्मक प्रश्न। तो ये हिंदी का दोस्तों सिलेबस है आपके सामने, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों साइंस का कौन कौन सा सिलेबस है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला चैप्टर आपके सामने है फूड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फूड प्रिजर्वेशन, ये आपके सामने टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं। जो सबसे पहला जो खाद्य फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, कक्षा 8th में पहला चैप्टर है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फूड प्रिजर्वेशन, सूक्ष्म जीव खाद्य परिरक्षण, ये सेकंड चैप्टर से है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है मटेरियल्स 1, पदार्थ,
इसमें आएंगे सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक धातु और अधातु। फिर मटेरियल्स टू, थर्ड चैप्टर है मटेरियल्स टू, पदार्थ टू। इसमें कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला एवं पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम का परिष्करण। फिर फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन, कंबशन एंड फ्लेम यानी दहन और ज्वाला। ये दोस्तों जो आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर है ना, उसको कंबाइन करके इसका जो सेकंड और थर्ड चैप्टर बनाया है। अब जो फोर्थ नंबर पे है दोस्तों, लिविंग नॉन लिविंग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स, यानी सजीव और निर्जीव। इसमें कोशिका की संरचना और कार्य, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, वन्य जीव विहार और राष्ट्रीय पार्क के बारे में ये इससे आपका क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है पांचवा चैप्टर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, यानी प्रजनन के बारे में दोस्तों, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, किशोरावस्था का आरंभ, इससे क्वेश्चन आएंगे। सिक्स्थ चैप्टर है फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, और साथ ही थ्रस्ट एंड प्रेशर यानी प्रणोद एवं दाब, इससे क्वेश्चन आएंगे। सेवन्थ चैप्टर है दोस्तों लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई, केयर ऑफ आई, साउंड, ह्यूमन ईयर, लाउडनेस, पिच, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, तो इससे क्वेश्चन आएंगे। प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, बहुल परावर्तन यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मानव नेत्र के बारे में दोस्तों, इसकी देखभाल कैसे करते हैं आँखों की, ध्वनि के बारे में आएगा, कान के बारे में आएगा, प्रबलता एवं तारत्व यानी लाउडनेस एंड पिच, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड यानी कि श्रव्य और अपश्रव्य तरंगे, जिनको हम सुन सकते हैं उनको ऑडिबल कहते हैं और जिनको हम सुन नहीं सकते उन्हें इनऑडिबल साउंड्स कहते हैं, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा वीडियोज़ में। तो ये सेवन्थ चैप्टर था। एट्थ चैप्टर है दोस्तों केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एट्थ। उसके बाद नाइन्थ है नेचुरल फिनोमिनाज यानी प्राकृतिक परिघटनाएं, इसमें हम पढ़ेंगे लाइटनिंग यानी तड़ित के बारे में, अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में, और एयर एंड वाटर का पोल्यूशन, वायु तथा जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है दोस्तों सोलर सिस्टम, सौरमंडल, जिसमें हम स्टार एंड कंस्टेलेशन यानी तारे और तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये साइंस का पोर्शन है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इसे नोट कर सकते हो, अदरवाइज मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसका लिंक भी बताऊंगा कि आप कहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं मैथ के सिलेबस की, मैथ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला चैप्टर है दोस्तों रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद है स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स, वर्ग एवं वर्गमूल, ये दूसरा चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है दोस्तों क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन एवं घनमूल। चौथा चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यानी घातांक एवं करनी। पांचवा चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी सीधा एवं व्युत्क्रम समानुपात। जो सिक्स चैप्टर है दोस्तों कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी मात्राओं की तुलना, इसमें क्या क्या पढ़ना है, परसेंटेज यानी प्रतिशतता, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों जितना भी मतलब सिलेबस है, लगभग जो छठी वाला है, कुछ कुछ जो एडवांस किया गया, जैसे सिक्स्थ में सिंपल इंटरेस्ट था सिर्फ, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी जोड़ दिया गया है। तो उसके बाद जो सेवन्थ चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, ये भी नया जोड़ा गया है, बीजगणितीय व्यंजक एक्सप्रेशंस और गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन इसके बारे में। उसके बाद जो एट्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर में रैखिक समीकरण। उसके बाद नाइन्थ चैप्टर है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों की समझ, कौन कौन से चतुर्भुज पढ़ने हमें, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, रोम्बस यानी सम चतुर्भुज, रेक्टेंगल यानी आयत, स्क्वेयर यानी वर्ग, और काइट यानी पतंग, इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके एरियाज वगैरह जो भी इनकी प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ना है। एरिया वाला है जो दोस्तों वो टेंथ चैप्टर है मेंसुरेशन, इसमें एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स यानी समतल आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, जो भी वर्ग वगैरह जो भी यहाँ पे पढ़े हमने चारों, या वृत्त वगैरह, इन सब के जितनी भी समतल आकृतियाँ क्षेत्रफल के बारे में। और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, क्यूबॉइड्स एंड सिलेंडर, यानी कि घन, घनाभ और बेलन, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में आएगा। उसके बाद लास्ट चैप्टर है चैप्टर 11th
इसमें डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, प्रोबेबिलिटी, इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। दंड आरेख, वृत्त चित्र जिसे हम पाई चार्ट कहते हैं, आंकड़ों का संगठन और प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, ये तो बहुत ही ईजी है। तो ये आपके सामने मैथ का सिलेबस था। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस एग्जाम पैटर्न भी दोस्तों आपको पता चल गया, और साथ ही कौन कौन सा सिलेबस है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको पता चल गया। दोस्तों इस पूरे सिलेबस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी और टेलीग्राम चैनल का भी। आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जल्द ही मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9th के लिए। दोस्तों इस चैनल पर आपको सिलेबस की बहुत ही आसान भाषा में चैप्टर वाइज फुल डिटेल्ड वीडियो मिलेगी, और साथ ही प्रत्येक चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको एक अलग वीडियो बना के दी जाएगी, जिससे आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर सकते हो और आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सको और जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का अपना सपना पूरा कर सको। तो क्लासेस को लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जब भी हमारी नई क्लास की वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।